Hi guys, we're back with the third episode, Insights with me and Sami. As your host. Okay, क्या हुआ इस एपिसोड में? ये एपिसोड थी, इसका नाम था Get a Life or a Job. रिदा के जॉब इंटरव्यू पे पूरी स्टोरी है. So the पहला स्टार्टिंग सीन ही हमारा जो ब्रेकफास्ट वाला मोंटाज है. देखें, ये दुल्हा तैयार हो रहे हैं. मतलब वो भी आज तक नहीं पहनी लग. समी मतलब बटन भी नहीं बंद कर सकते. कैसे पीछे हो गई भाई? आ जा. दोबारा तुझे ना जॉब सुन लगा. तुझे ना सख्त जॉब ढूंढने की जरूरत है. तुझे ना जॉब ढूंढने की सख्त जरूरत है. उसमें बड़ा ऑलमोस्ट काफी खतरनाक सा सीन होते होते बचा. मतलब हो गया था बट नॉट दैट बैड. क्या हुआ था? ये था कि अरसलान की गलती है. यस, बेचारा ईडी. बेचारा अरसलान की गलती नहीं है, पता नहीं किसकी गलती से उसी का हाथ लगा था, बट इट वाज एन एक्सीडेंट. आईडिया नहीं. तो उस सीन में एक ग्लास में दूध रखा होता है. मैं भाग के आता हूँ, बैठता हूँ, और अरसलान बेचारा टेबल साफ कर रहा था और सारा दूध. इसे कहते हैं कपड़े बचाना. रीटेक हो रहा था और he was just cleaning up the mess और उसका हाथ लगा और पूरा ग्लास और बचत हो गई. मैं गिरता नहीं, दूध गिर सकता था, मुझ पे गिर सकता था, मसला नहीं, मगर मैं कपड़े बचाने के लिए फुल माइकल जैक्सन की तरह मैंने मूव लिया. अब वो और वो जो गिरा था वो भी मतलब किसी में obviously rather than save me इससे एक और अच्छी I did try to save you. पर तो मैं अरसलान ने बचा लिया, तक तो मेरा फायदा नहीं था ना. इससे मुझे एक चीज़ याद आई है, जो हम डबिंग कर रहे थे तो वो याद है मुझे इविल लाफ निकालनी थी पर वो आ नहीं रही थी. और उसी वक्त हम लोग जब वापस जा रहे थे सीढ़ियों से तो यू स्लिप्ड. तो क्या हुआ था? अंदर से इविल लाफ निकली थी मेरी. तो यू नो वो सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते. शी वाज नॉट सेविंग मी. चलो मुझे थोड़ा कपड़े गंदे हो जाते, फिर पूरा चेंज करना पड़ता, सीन पूरा रीशूट करना. नहीं, she didn't give a damn. देखो मैंने पहले मैं हंसी फिर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश की थी. KFC. अच्छा, जो जॉब वाला सीन है जिसमें मेरा इंटरव्यू जो हो रहा है. अच्छा, हमने पहले KFC के ऑफिस की पिक्चर्स मांगी थी बट हमें क्लियर नहीं मिली थी. हां, दे वर नॉट एबल टू सेंड अस द क्लियर पिक्चर्स बट द पर्सन नेगा हु वाज लुकिंग आफ्टर अस शी सेड बस आ जाओ, मैं बोल रही हूं बस आ जाओ, डोंट वरी. तो हम बगैर रेकी के किसी जगह पे शूट करने पहली दफा हुआ है. हाँ, कभी हम बगैर रखी कभी शूट नहीं करते. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम. क्या ऑफिस था, ब्यूटीफुल. हेलो, आपने देखा होगा वो बीन उस ऑफिस में गंदी चीज लग रहा था. वो ऑफिस इतना अच्छा था, वो ऑफिस कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा था. एग्जैक्ट, बहुत अच्छा. क्या आपको पता भी है फ्यूचर में क्या करने वाली? आपको कुछ पता नहीं आप फ्यूचर में क्या करने वाली? चिल हो जाएं, रिलैक्स. नहीं
नहीं ना आप यहाँ क्यों हैं? तो वो थैंक यू KFC फॉर द अमेजिंग लोकेशन. यस अमेजिंग वेरी गुड. वो व्हाट गाने से एक्टिंग करवाई हमने, अरसलान से भी एक्टिंग करवा ली हमें. अपने हमें पता नहीं क्या शौक है अपने क्रू को टॉर्चर करने का. अमेजिंग ऑफिस में हमें एक बंदा चाहिए था एक्चुअली. तो ये प्रोड्यूसर साहब का बंदा, उनको बोला था कि यार एक बंदा चाहिए होगा, उसने आके फाइल देनी है सर. पर तो प्रोड्यूसर साहब भूल गए और वो थोड़ी देर में हमारी एडी को खड़ा करके ले, ये देखो तैयार. हमने उसकी तरफ देखा, हमने बोला ये कर लेगा. हमारा एडी परेशान था बेचारा वो, बट वो खुद नर्वस था. वो ही इज नेवर एक्टेड बिफोर. हां वो एक्टिंग के लिए कुछ लोग होते हैं ना उनको नहीं पसंद होता टाइप. हां तो उसको नहीं पसंद था. हम बिचारे को जबरदस्ती हमने खड़ा कर दिया. कोई नहीं है अरसलान, यू हैव टू डू इट. ही डिड इट फाइन. यार इतना शरीफ आदमी क्यों है तू? Not bad actually. वो शुरुआत में थोड़ा डर रहा था, घबरा रहा था, बट जो टेक हमने यूज़ किए वो not bad. He did a fine job. हाँ. और हमने उसी ऑफिस में जो जब रिदा को कॉल करा जाता है कि आप अंदर आ जाओ, आपको आवाज आई होगी मिस रिदा प्लीज अंदर आए, तो वो जो आवाज है वो सिर्फ हमने आवाज यूज की, हमने टेक ही नहीं यूज की. बुरी एक्टिंग की थी, इतनी बुरी एक्टिंग की थी गानिया ने कि हमने उसकी, हमारी प्रोड्यूसर रानिया जो है. मिस्रदा प्लीज कम इन. हमने अपनी, हमें पता नहीं, हमें शौक है अपनी क्रू को टॉर्चर करना इस तरह से. हम कोई ना कोई बहाना, गानिया हमें बहुत दफ़ा टॉर्चर कर चुकी थी KFC का माइटी वगैरह खिला के, और बहुत बहुत बाकी so kind of. हाँ वो तो रिवेंज. अच्छा अच्छा उसके बाद फिर घर वाला सीन आता है हम लोग. हाँ बेस्ट डे एवर, बेस्ट डे एवर. गर्मी बहुत होती है, मैंने यूं किया एंड आई डिडंट इवन नोटिस कि मैंने यूं बाल यूं किया, और फिर हमने टेक, हां वो बाद में व्हेन वी रिव्यूड, फिर हमने वो दोबारा टेक किया पूरा, रिव्यूड इट एंड देन वी हैड टू रीडू इट. हां बिकॉज़ मास्टर में वाले दर हैं, yes. क्लोजअप में वाले दर हैं. तो शुक्र है ये हमारा फायदा हो गया. आंटी वाज अ वेरी गुड एक्टर जिनको अपनी लाइंस बहुत अच्छे से याद. ओह शी वाज टू गुड. तो ज्यादा टाइम भी लगा, थैंक गॉड. हां बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने. क्या नाम था उनका? अस्मा. क्या? और ये तुम क्या? अच्छा मुझे यहां नहीं, यहां देख ये रहा, उसको देख ये रहा है मैं. और ये तुम, तू तड़प करके क्या? और ये तुम दोनों, और ये क्या? एक तो वैसे ही अल्लाह अल्लाह करके तुम पैसे पास हुई थी. पैसे पास कोई बात नहीं. हां शी वाज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. पिलो फाइट जो पूरी है वो हमने बनाई इस तरह से कि वो यू नो समी रिदा आपका मोनोलॉग शुरू हो रहा था कि शी फील्स बैड कि वो अपना इंटरव्यू खराब करके आ गई, अम्मा से भी डांट पड़ गई, समी इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी और पर से यू नो जस्ट टू चेंज द मूड वो उस पे एक पिलो फेंकता है, वहां से उनकी शुरू होती है पिलो फाइट. और उसमें एक टेक था जब रिदा, आप लोगों ने देखा और सो मच में रिदा यू करती है, मैं फाइल फेंकती हूं अपनी और दो दो पिलो लगा. आराम से फेंको ना. ओए यार तबाही शॉट आ गया था ये. अरे अबे आजकल तू क्या फेंकते हैं? Much, much later. Cut.
ये लड़की कैच नहीं कर सकती। नहीं कैच की बात नहीं है, मैं बताती क्या हुआ था। एक पिलो थोड़ा पतला था, इट वॉज इजी टू कैच। दूसरा इतना बड़ा था, मैं कैसे पकड़ती हाथ से? हाथ से नहीं ना, हाथ में नहीं आ रहा था ना, कैसे हुआ था? वही वाला था वो मेरी उंगलियां कट गई थी उसी शेप में हो गई। बाद में फर्क ये था, वाजिद ने थोड़ा आराम से फेंका था। हाँ, तो फिर चीज़ खैर वो बड़ी बहुत देर लगी थी, 150 बहुत बहुत देर लगी थी। यू विल सी इट, उसमें जो फ्रस्ट्रेशन है मेरे मुंह पे वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन। हां वाह, और कितना बताऊं आपको, फ्रेम में नहीं आया, सिर्फ हाथ में आया, फ्रेम में नहीं आया। वाह, अबे इतने सारे कैसे फेंके, अबे इतने सारे एक साथ कैसे फेंके? थोड़ी छोटी थी, सॉरी, बट अच्छी, यू नो, शॉर्ट एंड स्वीट। असल में थोड़ी बड़ी होनी थी, बट जब हम एडिट पे बैठे तो हमें काफी छोटी लगी। हाँ, हमें लगा, मुझे नहीं लगा था वो इतनी छोटी होगी, बट सो इट वाज अ सरप्राइज फॉर अस कि वो इतनी छोटी थी। बट खैर हमने बाकी एपिसोड से कवर कर लिया, उसके बाद से जितनी आई है सारी आगे और कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी हों और मल्टीपल एपिसोड्स भी हों। अभी एपिसोड्स भी कम थी, ऐसे कम थे, सबका रीजन ये है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, दिस इनसाइड इज ऑलमोस्ट ओवर। यस, इट्स ओवर, जस्ट लाइक द थर्ड एपिसोड, छोटी थी। अच्छा, तो नेक्स्ट आ रहा है जल्दी, नेक्स्ट इनसाइड। So subscribe to Imagination Pictures and click on the bell icon for more notifications.